हाय गाइस, दिस इज डॉक्टर मीनल जैन। डिल्यूजन इंजरी को कंटिन्यू करते हुए मैं आज आप लोगों के लिए एक और उसका सब रूब्रिक लेकर आई हूँ, जो कि है डिल्यूजन इंजरी इज बीइंग इंजर सराउंडिंग बाय हिज। इसको जब सीधा पढ़ेंगे तो बाय हिज सराउंडिंग्स, है ना, ये ऐसा आएगा। ठीक है, आप सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि जिस किसी ने डिल्यूजन इंजरी इज बीइंग इंजर्ड वाला मेरा वीडियो नहीं देखा होगा तो पहले उसको देखिए, वो वाला रूब्रिक अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद जब आप इस रूब्रिक को समझोगे तब आपको ध्यान में आएगा कि दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप उसको वीडियो को देखिए, उसके बाद में इसको कंटिन्यू करिए। चलो, तो ठीक है, हम लोग ये रूब्रिक को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो रूब्रिक है इसमें ना सबसे पहले दो वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वर्ड है बाय हीज। बाय हिज का जब डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो वो है कि उसके द्वारा, या उनके द्वारा, किसी और के द्वारा। ठीक है, बाय हिज। ठीक है, अभी सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स का मीनिंग जब देखेंगे डिक्शनरी में तो वो आता है कि आसपास का, आजू बाजू का, है ना, या परिवेश, ये सब उसके डिक्शनरी मीनिंग है। बट है ना, अभी सराउंडिंग्स तो ये इतना कॉमन वर्ड है कि हम लोग डे टू डे लाइफ में हमारे जो अपनी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें कंटिन्यूसली ये वर्ड यूज़ करते हैं। सराउंडिंग्स मतलब क्या रहता है ना, सराउंडिंग बोले तो क्या हम लोग समझते हैं कि अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसको हम लोग सराउंडिंग्स बोलते हैं, है ना, अपना सराउंडिंग बोलते हैं। तो देखिए, जो अब बेसिक लेवल पर जाइए, एकदम से बेसिक लेवल पर समझिए कि सराउंडिंग क्या है। हाँ, सराउंडिंग क्या है, एक इन्वायरमेंट है, और इन्वायरमेंट क्या है ना, इन्वायरमेंट को जब आप बेसिक लेवल पे, एक सटल लेवल पे जब समझेंगे ना तो वो क्या है ना, सराउंडिंग से बोले तो दो टाइप के इन्वायरमेंट्स होते हैं अपने आसपास, है ना। एज अ ह्यूमन बीइंग अपने आसपास दो टाइप के इन्वायरमेंट्स होते हैं, उसे इंसान हमेशा एक्सपोज होता रहता है कंटिन्यूसली। तो वो कौन से, फर्स्ट वन इज नेचुरल इन्वायरमेंट एंड सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। ओके, तो नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे कि अपना जो क्लाइमेट से, जो सीजन से, है ना, वो आता है। बाद में फूड आता है अपना, है ना, उसके बाद में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, ये सब चीज़ें नेचुरल इन्वायरमेंट में आती है कि जो इंसान को अफेक्ट करती है, ये हो गया नेचुरल इन्वायरमेंट पे। आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में क्या होता है ना, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में इंसान जो होता है उसमें वो डोमेस्टिक, उसका जो इन्वायरमेंट क्या है, उसका सोशो कल्चर इन्वायरमेंट क्या है, बाद में उसका जो फाइनेंशियल है वो इन्वायरमेंट कैसा है ना, जो फाइनेंशियल है, उसके बाद में जो वो प्रोफेशन है, वो किस प्रोफेशन में कहाँ पर काम कर रहा है, वहाँ का इन्वायरमेंट क्या है, ये सब मैटर करता रहता है। ठीक है, तो ये सब क्या है ना, ये जब इंसान के आसपास का इन्वायरमेंट होता है, ये दो टाइप्स के इन्वायरमेंट तो समझ गए। ठीक है, तो ऐसे ही ना इंसान, ऐसे ही ना जब पेशेंट आपके पास आएगा ना तो ये दो इन्वायरमेंट्स को लेके आपके पास कंप्लेन करेगा, मतलब ये दोनों को रिलेटेड रहेगा कंप्लेंट्स, जो भी सिर्फ ये दो ही इसमें से आपके पास कंप्लेंट्स आएंगी। जैसे कि देखिए, सबसे पहले सराउंडिंग बाय हिज ये वाले का फील समझिए, रूब्रिक का, मेन रूब्रिक का फील क्या है ना, सबसे पहले रूब्रिक का फील है कि देखो, जब भी पेशेंट आपको कुछ भी नरेट करेगा तो दो चीज़ें उसमें आपको बताएगा। फर्स्ट क्या चीज़ बोलेगा कि वो तकलीफ में है, इसके बारे में वो थोड़ा एक्सप्लेन करेगा कि मुझे इससे तकलीफ है, क्योंकि डिल्यूजन इंजरी इज बीइंग इंजर्ड। बीइंग इंजर्ड मतलब क्या, कि उसको एक क्षति कंटिन्यू चलती आ रही है, एक पॉइंट से लेके कंटिन्यू उसको चल रही है, ये हो गया बीइंग इंजर्ड। पर उसका सब रूब्रिक है बाय हिज सराउंडिंग्स। बाय हिज सराउंडिंग्स बोले तो उसमें क्या करेगा ना, पेशेंट इंजरी का पॉइंट बोलेगा, इंजरी भी बोलेगा, पर एक बात बोलेगा कि उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है या कोई भी चीज़ है उस पर वो एक ब्लेम करेगा, उसको कसूरवार ठहराएगा, एक रीज़न को लेके उसको कसूरवार ठहराएगा, एक चीज़ को लेके वो कसूरवार ठहराएगा उसको, है ना, तब वो डिल्यूजन बाय ही सराउंडिंग्स में आएगा। अभी ये हो गया पूरे रूब्रिक का मीनिंग। ये रूब्रिक में दो ही फील आएगा पेशेंट से आपको, एक रिवाइज कर लेते पहले, पेन और उसका
वो किस चीज़ को दोष दे रहा है, ये दो चीज़ें आपको दिखेंगी ही दिखेंगी, उसका फील आएगा, है ना, तब ये रूब्रिक पकड़ना है। अब ये जो रूब्रिक है ये पेशेंट में कैसे देखेंगे, है ना, पेशेंट में कैसे समझेंगे कि भाई यहाँ पर ही सराउंडिंग्स पकड़ना है, अदरवाइज नहीं पकड़ना। तो देखिए, अभी एक ना मेरे पास एक पेशेंट था, तो वो क्या बोला ना, वो बोला कि मुझे ना ऐसे जैसे कि हमेशा छींकें आती है, ठीक है, छींकें आती है ऐसे वैसे ही बताया उसने। उसके पहले कंप्लेंट्स नरेट कर दी कि दिन में से एक बार, तीन चार बार दिन में से एक बार छींकें स्टार्ट हो गई तो 10 से 15 छींकें आती ही आती, बोले मुझे बहुत तकलीफ है, बोले ये छींकों का ऐसे वैसे, ठीक है। फिर बोलते बोलते उसने नरेशन में क्या बोला ना कि बोले मैम ये ना ये जो ऐसी बदली आ गई ना, ये बदली आ गई ना तो उससे ना जो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है ना हवा में, उससे ना मुझे छींके स्टार्ट हो जाती है, बोले उसी के वजह से तब से मुझे छींके स्टार्ट हो जाती है, जब भी ऐसी हवा में ये हो जाता है ना तब से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, वो जो उसके आसपास की हवा है ना उसको दोषी मान रहा है कि ये रीज़न है, ये चीज़ है कि जो मुझे छींके, जिसके वजह से मुझे छींके आ रही है, ठीक है, ये एक से हो गया। एक पेशेंट मेरे पास आया और बोलता है ना, बोले मैडम मैं ना ऑफिस में, मेरे ऑफिस में ना बोले मैं जहाँ बैठता हूँ, जो टेबल पे बैठता हूँ ना एग्जैक्ट उसके ऊपर ना बोले एक लाइट लगा हुआ है, और वो लाइट का जब रेज ना मेरे जो लैपटॉप है उसके ऊपर गिरते हैं ना, उससे बोले मुझे बहुत हेडेक हो रहा है, बोले ये 4-5 दिन से मैं ये सब चीज़ों से परेशान हूँ, बोले बहुत हेडेक हो रहा है, और जब से वो लाइट मेरे लैपटॉप के ऊपर उसके रेज गिर रहे तब से मुझे हेडेक हो रहा है, बोले, ठीक है। तो यहाँ पे भी उसने क्या बोला ना कि उसको क्या लग रहा है ना कि वो जो लाइट गिर रहा है, उसका जो रिफ्लेक्शन गिर रहा है उसके लैपटॉप के ऊपर, तो वो उसको परेशान कर रहा है, मतलब वो क्या जो बाहर की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की जो चीज़ है वो उसको उसको कसूरवार ठहरा रहा है कि उसके उसके तकलीफ उसके उसके दर्द के लिए वो, ठीक है। ये हो गया एक। वैसे ही बहुत सारे सेज ऐसे आपको मिलेंगे कि अभी आजकल ना मेरे कलीग्स बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है, तो इस वजह से उन्होंने एसी लगाना स्टार्ट कर दिया, और मेरा जहाँ टेबल है वहीं के वहीं पर उसी के ऊपर एग्जैक्ट बोले एसी का डक्ट एसी है, बोले तो वो एसी के वजह से बोले कंटिन्यूस में उसके एक्सपोजर में आता हूँ, और उसके वजह से मुझे तब से बोले सर्दी लगी है, मेरा नाक बहुत मुझे तकलीफ हो रही है, ठीक है, ऐसा पेशेंट बोलेगा। ये हो गया। एक और से बोलती हूँ आपको कि एक पेशेंट था, वो बोलता है कि बोले मैडम बोले बाजू वाले घर में ना बोले वो ना पेंटिंग का काम स्टार्ट है, बोले वो पेंटिंग का काम शुरू होने की वजह से बोले ना उसकी जो स्मेल आती है ना, उसकी स्मेल, जब से उसकी स्मेल आती है उसकी स्मेल से बोले मुझे ना बहुत ज़्यादा नौशिया हो रहा है, बोले तब से ही मेरा कुछ खाने में मन नहीं लग रहा है, कुछ नहीं है, तब से मुझे कंटिन्यू नौशी हो रहा है, बोले आप उसके लिए कुछ दवाई दीजिए, है ना। तो ठीक है, तो ये वाला भी क्या है ना, डिल्यूजन इंजरी इज बीइंग इंजर सराउंडिंग बाय हिज, मतलब क्या, वो जो पेंटिंग हो रहा है, वो जो पेंट हो रहा है, वो जो इन्वायरमेंट की एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का जो स्टिमुला है उसको वो दोषी मान रहा है, ठीक है। ये हो गया। अभी देखिए, ये तो नेचुरल इन्वायरमेंट के जो स्टिमुला है उसके बारे में अपन ने बात कर ली, अभी जो आर्टिफिशियल के लिए, आर्टिफिशियल जो इन्वायरमेंट है उसके बारे में कुछ बात करती हूँ, है ना। उसके लिए ना एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, आप ऐसे बहुत सारे सेज फिर आप समझ सकते हो कि पेशेंट इसमें क्या बोल रहे हैं और ये वाला रूब्रिक उठाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, एक पेशेंट था मेरे पास, अभी कैसे ना ये लॉकडाउन की वजह से ना बहुत सारी कंपनियों में ना बहुत लॉस हो गया, उस वजह से बहुत सारी कंपनीज ने क्या किया है ना कि उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मतलब कम कर दिया, मतलब जितने पहले थे, जैसे कि एक मेरे पास पेशेंट था वो बोल रहा था कि बोले मैडम हमारे जो कंपनी है ना उसमें पहले 50 एम्प्लॉयज़ काम करते थे, बोले एट ए टाइम पहले, अभी कैसे हो गया ना ये लॉकडाउन, ये कोरोना, ये सब के वजह से बोले उन्होंने ना ये सब एम्प्लॉयज़ कम कर दिए, तो अब हम लोग 10 पर आ गए, बोले तो क्या ना, बोले ये बॉस ने ना ये सब एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया ना, बोले उसके वजह से ना इतना मेंटल स्ट्रेस है, पूरा वर्कलोड हम 10 लोगों के ऊपर है, बोले, और उसके तब से बोले जब से वो एम्प्लॉयज सब काम पर से निकल गए हैं और हम लोगों पर जब से ये मेंटल स्ट्रेस आ गया, ये काम का वर्कलोड आ गया है, बोले तब से बोले ये मेरी जो
आंखें है इतनी दुख रही है, इतनी दुख रही है, और इतना सीवियर हेड है कि बोले मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, बोले कि इतना सीवियर हेड है कि बोले मैडम आप इसके लिए दवाई दीजिए, है ना। तो यहाँ पे भी क्या हुआ ना, वो जो उसके जो इन्वायरमेंट है, वो जो जो उसकी जो जहाँ पे वो प्रोफेशनली काम कर रहा है वहाँ का जो माहौल है उसके वजह से उसको जो स्ट्रेस आ गया, उसको वो कसूरवार ठहरा रहा है कि ये वर्क लोड की वजह से मुझे ये हेडेक और ये जो पेन हो रहा है या आँखों में जो दर्द हो रहा है वो हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया डिल्यूजन, इंजरी इज बीइंग इंजर्ड सराउंडिंग बाय हिज। ठीक है, ये तो समझ गया अभी, हो मुझे लगता है कि सबको ये रूब्रिक समझ में आ गया होगा, ध्यान में आ गया होगा। अभी ना थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ये जो मैंने पहले दो वीडियोस बनाए उसमें और ये वाले रूब्रिक में। ठीक है, तो फर्स्ट रूब्रिक था मेरा डिल्यूजन इंजरी इज बीइंग इंजर्ड सराउंड बीइंग इंजर्ड। ठीक है, इतना पहले समझ लेंगे। तो इसमें क्या होता है ना कि पेशेंट हमेशा एक पॉइंट बताता है, एक इंजरी का पॉइंट बताता है, तब से लेके तो अभी तक के उसकी जो एक्टिविटी है उसमें ब्रेक डाउन आया हुआ है, कहीं तो भी उसके कंटिन्यूटी में ब्रेक डाउन आया हुआ, मुझे उसको कहीं तो भी क्षति हुई हुई है उसके उसके काम में, है ना। तो एक पॉइंट से लेके तो कंटिन्यू बात बता रहा है, तो डिल्यूजन इंजरी इज बीइंग इंजर्ड मतलब पेन बता रहा है। तो ठीक है, यहाँ ये रूब्रिक पकड़ना है। सेकेंड रूब्रिक था डिल्यूजन इंजरी इज अबाउट टू रिसीव इंजरी। अभी रिसीव में क्या होता है ना कि यहाँ पेशेंट जो भी बोलेगा, जो भी बात बताएंगे ना, तो आगे क्या होने वाला है, उसको अब क्या क्या तकलीफ होगी, एक इंजरी रिसीव करने के बाद में उसको क्या क्या तकलीफ होगी उसके बारे में वो ज़्यादा नरेट करेगा, उसके बारे में ज़्यादा इलाबोरेट करके बोलेगा। तो ये हो गया डिल्यूजन इंजरी इज अबाउट टू रिसीव में आएगा वो, है ना। और डिल्यूजन इंजरी इज बीइंग इंजर्ड सराउंडिंग बाय हिज में वो उसके दर्द के बारे में तो बोलेगा ही बोलेगा, उसके साथ साथ में ना एक पॉजिटिव बात बताएगा, एक कॉजेशन बताएगा, और उसको वो कसूरवार ठहरा रहा है कि इसके वजह से हुआ है ये चीज होने के वजह से। फिर वो एनवायरमेंट में कोई भी चीज़ हो सकती है, वो किसी को भी कोई भी चीज़ से उसको क्षति हो सकती है, किसी भी चीज़ से उसको इंजरी हो सकती है। ठीक है, तो ये तीनों में डिफ्रेंसिएशन है। होप गाइज, मुझे लगता है आप लोगों को ये तीनों रूब्रिक्स अच्छे से समझ गए होंगे। इसे ना आप आपके क्लिनिक में अप्लाई कीजिए और खुद से समझने की कोशिश कीजिए। मैं कितना भी आपको बताऊंगी तो वह आपको जब तक के समझेंगे नहीं जब तक कि आप आपके खुद के क्लिनिक में इसे अप्लाई नहीं करोगे। ठीक है, आपको जब मेरे ये वीडियोस, ये रूब्रिक्स समझ में आ रहे हैं, आपको अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि मैं जो बोल रही हूँ, मैं जो कहना चाहती हूँ वो बात आप तक के पहुँच रही है। ठीक है, थैंक यू।